और बंधुओं, माताओं, बहनों, युवाओं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले नव दंपतियों, आप सभी तिजारत में माया बड़ी चीज है, इमारत में पाया बड़ी चीज है। मकान बनाना हो, गुरुओं की आशीर्वाद बड़ी चीज, आशीर्वाद अति आवश्यक है। नमस्कार करते जाइए, बात सुनते जाइएगा, सबके प्रति मंगल कामना। सामूहिक विवाह में इनको आशीर्वाद पूरे समाज का, और वो आशीर्वाद की कमाई कभी समाप्त नहीं होती, अक्षय होती। ये सबसे बड़ी बात है। और कभी किसी के मन में ऐसा विचार आता हो कि सामूहिक विवाह करना ये तो गरीबों का काम है, दया का पात्र समाज, बंधुओं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सामूहिक विवाह की परंपरा जो चली आ रही है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। कोई अमीरी गरीबी का कोई संबंध नहीं है। समाज में हीनता से देखना, हेयता से देखना ये अव्यवहारिक है। पर जो सामूहिक विवाह में प्रवेश करता है ना, उसके लिए श्रेयता का विषय है। हम चले थोड़ा सा त्रेता युग में, उस त्रेता युग में बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ है। उस पंडाल में राम और सीता का विवाह हो रहा है, पर अपन एक ही बात याद कर लेते हैं कि राम सीता का विवाह, बंधुओं यदि हम रामायण को अच्छी प्रकार से पढ़े सुने तो याद रखना उस पंडाल में चार भाइयों का एक साथ विवाह हुआ, जो अयोध्या के राजकुमार थे। और कितने ही युवाओं का विवाह जो अयोध्या से आए थे, उन युवाओं का विवाह भी उसी पंडाल के नीचे सामूहिक रूप से चला था। ये अपने आप में गौरवान्वित होने का विषय है। ये विवाह नीति हो जाए, एक परिवार को पूरा मिल जाए, इन्हें चुने चुने व्यक्ति ही आदर आशीर्वाद देते हैं कि जब समाज गंगा एकत्रित होती है तो वहां पर नव दंपतियों को आशीर्वाद पूरे समाज के व्यक्तियों का मिलता है। और इस मामले में सबसे ज्यादा आशीर्वाद की कमाई में सबसे ज्यादा यही संपन्न होते हैं, इनका जीवन सुखी बने, आह्लादित बने, समृद्धता से और धर्म से परिपूर्ण हो, समाज
किस प्रकार के भाव हृदय में होना चाहिए और इन्हीं भावों के साथ मैं सबके प्रति मंगल कामना क्षत्रिय कचोरिया राठौर समाज ने मुझ जैसे साधु को बुलाया। यह समाज के प्रति, समाज का संतों के प्रति जो अनन्यता है, जो संस्कार है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मन में संदेह था कि मैं समय में पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम शाहपुरा भिलवाड़ा जिले में था, पुरुष ऋषि थे और वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे आराध्य देव स्वामी रामचंद्र जी महाराज की का 300वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 2 तारीख से 7 तारीख तक भारत के माने हुए शंकराचार्य जगत गुरु उनका आगमन होगा। इस अवसर पर मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, एक टिफिन दिया जाएगा समिति की तरफ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले सम्मेलन में भी आपने 10 की लाखों रुपए की राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। सामूहिक सम्मेलन समिति की ओर से अध्यक्ष युवा अध्यक्ष रामनिवास जी और सामूहिक सम्मेलन के अध्यक्ष उनको सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी नीचे बैठ जाए, मेरे सबसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे नीचे बैठ जाए। सर्वप्रथम मैं जो आज नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, वे भी मंच पर बता रहे, माननीय गोपाल जी मोदी आप ही बता रहे, आप भी आशीर्वाद वचन 2 शब्द आप भी इस समिति व नवयुवा जोड़े को कहें। माननीय गोपाल जी मोदी साहब, हमारे इस आयोजन में आदरणीय संग्राम सिंह जी, भारत माता की जय राघोर, जय राघोर, जय राघोर, जय राघोर। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ और यहाँ का कार्यक्रम करने वाले जितने भी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ हृदय से। आप जब तक मुझे याद करेंगे, जब तक मैं आपके बीच में आता रहूंगा, तो आपका इसलिए सदा हमारे लिए बनाए रहेंगे। आप सभी को मीटिंग के जो मेन सदस्य हैं, कृपया पूरे दिन को एंटर करें। आराध्य प्रभु श्री गणेश की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमदेव सर्व कार्यसु सर्वदा की, ये जो हमारा राठौर परिवार है उसके अलावा मैं एक लाइन और मेरे दिल से जुड़ी हुई है कि मानव तो सारा जहां अपना, मानव तो सारा जहां अपना, अगर नहीं मानो तो अपनी परछाई भी अपनी नहीं। और एक और समर्पित आपके ऊपर कि मेरी हसरत नहीं चांद को छूने की, मेरी हसरत नहीं चांद को छूने की, मेरी हसरत तो आपके चरणों के माध्यम से आपके दिल को छूने की। क्या जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का हो, जरूरी है कि रिश्ता दिल का हो। जय हिंद, भारत माता की जय। सभी खुश रहे, प्रसन्न रहे, और जितने भी नए विवाह जुड़े जुड़े हैं, मेरे भाई इनका विवाह पढ़ने सुन बंधे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो बहू ले जा रहे हैं वो ये सोच के ले जाए कि बेटी ले जा रहे हैं, वो जो दामाद है उसको बेटा बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। जय माता सारे। और सभी जो और वहां भी मैंने कहा पटेल ने देश को एक किया था। सासू जी और ससुर जी आप भी मंच पर बता रहे,
सभा साथी निवेदन में भोजन के लिए बना रहे, सभा साथी जी भोजन भंडार बना रहे, आप भोजन भी बराती सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्पों की वर्षा करें सबके ऊपर। ओम भद्रम गणेशयाम देवा भद्रम पश्येन्दे तुष्टुवार्वं स्वतनो देवहितं यदालु। आप नीचे रख दीजिए फिर। हाँ, और लाड़ी अपने लाड़े को सामग्री दे देगी, मंत्र के बाद आहुति करना है, पीछे ध्यान रखेंगे। तेल आ जाना बंति कहा, आयुष्मा तुम्हे परिधिनता ज्ञात यो मम स्वाहा इदम अग्ने दन्न मम। आहुति दे दे और लाड़ी को फिर आगे चला है दूसरी परिक्रमा में। ओम सियारा सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले गायत्री माता की जय। ताली बजाए सब लोग, ताली बजाए। दूसरा फेरा हो गया, अब उसी तरह से फिर पति को देगी सामग्री, मंत्र के बाद आहुति होगी और उसी तरह से तीसरी परिक्रमा में भी लाड़ी आ गई। समृद्धिकरणं तव ममतुभ्यं च सम्मननः तदग्नि मुन्नता मायि गुं स्वाहा इदं अग्ने दन्न मम। सम्भाषणं बालिनिगृहं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णं हरणं एतत् श्रीरामायणं महः। अब दोनों लड़का लड़कियों को हवन सामग्री दे दीजिए, बस अब ये छोड़ दें। अब राजा टुकड़ा हार टुकड़ा रख दीजिए, दोनों को हवन सामग्री से दोनों को आहुति देनी है। चौथी परिक्रमा के लिए आहुति देनी है। ओम भोर भोवा स्वाहा। ओ कहीं जा, किसी के कुंड पे ज्यादा हो, ये जो मिला लीजिए, जो ले लीजिए कोई बात नहीं, और ले लो, और ले लो। हाँ ज्यादा ज्यादा छोड़ दिए। चलिए अब लाड़ी को आगे करें, आगे करें, चौथा परिक्रमा, चौथा फेरा। ओम तुभ्यम अग्ने पवत्तु सूर्यावत्तुनासः पुनः पतिभ्य। और अब फर्क ये पड़ेगा कि अब लाड़े को आगे चलना है तीन फेरे में, चार में तो लाड़ी आगे थी, तीन में लाड़ा आगे है ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारे सनातन संस्कृति में बहनों को माताओं को स्त्रियों को एक दर्जा ज्यादा दिया है। सांसद प्रतिनिधि वंशीलाल जी राठौर उपस्थित हैं, वे आपको संदेश बताएं।